ओम शांति। आज आपको हम अपने लौकिक और अलौकिक जीवन की अनोखी अनुभव गाथा सुनाने जा रहे हैं। हमारा लौकिक घर सूरत सिटी से 25 किलोमीटर दूरी पर एक गांव में है। वैसे हमारा गांव एनआरआई का गांव माना जाता है, इसलिए जब हमारे लौकिक परिवार वालों को ज्ञान मिला तो ज्ञान भी कहां से मिला? भारत में रहने वालों को लंदन से ज्ञान मिला, क्योंकि उस समय हमारे अंकल लंदन में रहते थे और उनको ज्ञान मिला लंदन में, जहां हमारी जानकी दादी जी रहते थे, उसी सेंटर से ज्ञान प्राप्त हुआ। और जैसे कोर्स करने के बाद वो ज्ञान में बहुत निश्चय बुद्धि बन गए, बहुत पक्के बन गए। उनको देख करके उनके लौकिक परिवार वाले जो लंदन में रहते थे वो भी बहुत प्रभावित हुए, और उनको देख करके वो भी लंदन सेंटर पर जाने लगे। और जितने सेंटर पर जाने लगे और जितने हमारे लौकिक परिवार वालों की सेवा होने लगी, तो दादी जी भी हमारे अंकल से बहुत खुश थे, क्योंकि हमारे अंकल अथक सेवाधारी बन गए। क्योंकि बार बार रिलेटिव को सेंटर पर ले जाना, कोर्स कराना, इसलिए दादी भी बहुत खुश थे और एक अनन्य स्टूडेंट बन गए। और उस समय हमारी आंटी इंडिया में आए हुए थे। हमारे अंकल पत्र के द्वारा ज्ञान की बातें उनको लिखा करते थे। हफ्ते में एक बार उनका पत्र आता था और उसमें ज्ञान की बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखते थे। लेकिन हमारी आंटी बहुत भक्ति करते थे, इसलिए उनको ये सारी बातें जचती नहीं थी। और हमारे अंकल बार बार पत्र में लिखते थे कि आप सूरत सेंटर पर जाओ, जाकर कोर्स करो। तो एक दिन उन्होंने सोचा कि ठीक है, चलो मैं जाती हूँ। जब सेंटर पर गए, उन्होंने जब ब्रह्मा कुमारी बहनों को पहली बार देखा तो उनको लगा कि इतनी छोटी बहन मुझे कैसे ज्ञान सुनाएगी, मैं तो कितनी भक्ति करती हूँ। और भक्ति का नशा भी बहुत था, इसलिए थोड़ा ईगो होने के कारण वो बहनों से ज्ञान सुनना पसंद नहीं करते थे। लेकिन फिर भी अभी गए ही सेंटर पर, तो बहनों ने उनको प्रदर्शनी के चित्र समझाए, उनको बहुत अच्छा लगा। क्योंकि भक्ति के संस्कार होने के कारण ज्ञान की बातें भी उनको पसंद तो जरूर आएगी। और उसी समय बहनों के साथ हमारे गांव में कोर्स कराने का प्रोग्राम फिक्स करके आए। और फिर जब बहनें हमारे गांव में आई और हमारे लौकिक घर के बाहर जो आंगन है वहीं 7 दिन का कोर्स शुरू हुआ। और गांव के भी कुछ आत्माएं वहां आती थी और कोर्स करती थी, लेकिन उसमें से कुछ आत्माएं रेगुलर बनी। उसमें से हमारे लौकिक माता पिता भी रेगुलर स्टूडेंट बन गए। और 7 दिन के कोर्स के बाद फिर हमारे घर में ही गीता पाठशाला शुरू हुई। और उस समय तो बहनों को रोज घर में आकर क्लास कराना पॉसिबल नहीं था, इसलिए जो हमारे कजिन ब्रदर थे और भी जो पढ़े लिखे थे वो मुरली क्लास कराने लगे। फिर सेंटर से हफ्ते में एक दिन बहन आती थी और मुरली क्लास कराती थी। ऐसे करते करते ये सभी परिवार वाले पक्के हो गए जो इंडिया में रहते थे। और वैकेशन हुआ, फिर हम घर में आए, क्योंकि हम बोर्डिंग में पढ़ते थे।
मैं और प्रवीणा बहन बोर्डिंग में पढ़ते थे, क्योंकि हमारे लौकिक पिताजी की इच्छा थी कि मैं अपनी बच्चियों को गर्ल्स बोर्डिंग में और गर्ल्स स्कूल में ही पढ़ाऊं, क्योंकि वहां पढ़ने से उनको बाहर की दुनिया का इतना पता नहीं चलेगा। लेकिन आज हम सोचते हैं कि सचमुच उनका जो निर्णय था वो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि जब हम गर्ल्स के साथ रहते थे यानी बहनों के साथ रहते थे तो बहनों के साथ रहने का संस्कार तो पहले से ही था, इसलिए जब हम सेंटर पर आए तो हमें बहनों के साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर जब हम वैकेशन में घर में आए तो देखा घर में तो कोई सत्संग चढ़ता है, रोज रात को मुरली सुनाया करते हैं, तो जब मुरली मुरली शब्द हम सुनते हैं हमको लगता है कौन सी मुरली, पहली बार तो ऐसे ही लगा कि कौन सी मुरली चलती होगी, कौन मुरली बजाता होगा। लेकिन जब रात को मुरली क्लास शुरू हुआ तब कुछ बातें मुरली से सुनाई जाती थी, हमको कुछ भी समझ में नहीं आता था, लेकिन फिर भी भक्ति के संस्कार होने के कारण और जब घर में ही सत्संग होता है तो जरूर सत्संग सुनना चाहिए इस भावना से भी हम रोज बैठते थे। ऐसे करते करते धीरे धीरे बाबा से भी प्यार बढ़ने लगा, मुरली से प्यार बढ़ने लगा, और हमने कोर्स तो कभी किया ही नहीं क्योंकि वहां कोई कोर्स कराने वाले नहीं थे और सेंटर तो 25 किलोमीटर दूरी पर था तो रोज भी वहां आना जाना पॉसिबल नहीं था। फिर ऐसे करते हमारा वैकेशन तो पूरा हो गया। फिर जैसे हम वापिस बोर्डिंग में गए तो हमारी मम्मी ने हमें मुरली दिया था पुरानी कि आप रोज एक मुरली पढ़ना, नियम से पढ़ना, ऐसे पक्का कराया था। तो हमने भी सोचा कि ठीक है चलो रोज मुरली पढ़ेंगे, समझ में आए ना आए लेकिन एक भावना के कारण भी हम मुरली रोज पढ़ते थे। किसी किसी दिन मिस भी हो जाती थी, ना रेगुलर भी नहीं था, लेकिन फिर भी भावना जरूर थी। ऐसे करते करते हमारी बोर्डिंग की पढ़ाई पूरी हुई और फिर हम डिग्री कॉलेज में आए, और जब हम घर में आए तो हम कॉलेज में घर से ही अप डाउन करते थे, और इसलिए घर में आने के बाद फिर हमारी धारणा सब पक्की हो गई, रोज मुरली क्लास करना, खान पान की धारणा, वैसे भी धारणा में तो लहसुन प्याज नहीं खाना तो ये तो हम पहले से ही नहीं खाते थे, क्योंकि जब हम हॉस्टल में भी रहते थे तो हमें बाबा के बच्चे बने या नहीं बने लेकिन थोड़ी ये समझ थी कि परिवार वाले नहीं खाते हैं तो हमें भी ये चीज नहीं खानी चाहिए क्योंकि ये चीज अच्छी नहीं, बस ये समझ थी, और इसलिए हम हॉस्टल में भी प्याज की सब्जी बनती थी वो कभी नहीं खाते थे। तो ऐसे करते करते धारणा में पक्के होने लगे, और हमारे परिवार वाले तो धारणा में इतने पक्के हो गए, खान पान की शुद्धि, किसी के हाथ का भी नहीं खाना, बाहर की चीज नहीं खाना, किसी के घर में जाते हैं तो चाय भी नहीं पीते थे, पवित्रता की धारणा, तो ये सभी धारणा में इतने पक्के हो गए कि सारे गांव के अंदर ये बात फैल गई कि ब्रह्मा कुमारी का कोई अलग मत पंथ है, क्योंकि जो इसमें जुड़ता है वो बाहर का खान पान छोड़ देता है। तो इस बात के कारण भी हमारे परिवार वाले फेमस हो गए, हमारे रिलेटिव में भी फेमस हो गए कि ये कभी भी किसी के हाथ का नहीं खाते हैं। तो शुरुआत में तो दिक्कत आती है लेकिन धीरे धीरे सभी मान गए। तो ऐसे हमारा जो परिवार था उसमें पूरा आध्यात्मिकता का वातावरण बनने लगा, और जैसे हम कॉलेज में भी जाते थे तो हमारी जो फ्रेंड्स थी वो तो होटल में खाने के लिए हमें भी साथ में ले जाती थी लेकिन हम कभी भी होटल में नहीं खाते थे, अगर खाना ही है तो आइसक्रीम खाते थे। तो हम कॉलेज में भी फेमस हो गए कि ब्रह्मा कुमारी के पंथ में जाती है और इसलिए ये बाहर का नहीं खाती है।
और सबको ऐसे लगने लगा कि शादी नहीं करेगी। तो हमारी फ्रेंड्स भी हमें कहती थी कि ऐसे कैसे रहेगी, ये बिना शादी किए कैसे आप अपनी लाइफ गुजारेंगे। लेकिन हम तो पक्के हो गए थे, इसलिए हम कहते थे कि हमने तो भगवान को ही अपना साथी बना लिया है। जब भगवान ही हमारा जीवन साथी बन जाएगा तो हमें कोई आवश्यकता नहीं होगी। और जैसे हमारे परिवार के अंदर भी हम कुमारी होने के कारण जो भी ज्ञान में चलते थे वो हमें भी बहुत उमंग उत्साह दिलाते थे। वैसे भी हमारे मम्मी पापा ने कभी भी हमें फोर्स नहीं किया कि आप शादी नहीं करो, सेंटर पर ही रहो। इसलिए हमें घर से तो फोर्स नहीं था, लेकिन हमारी खुद की ही ये लगन थी कि हमें बाबा की ही सेवा करनी है। और जब कॉलेज भी करते थे तो ऐसे भी लगता था कि अभी कॉलेज करके भी क्या फायदा, इससे तो बाबा की सेवा में लग जाओ। और अंदर ही अंदर ऐसे लगता था, क्योंकि बाबा की मुरली सुनते थे, विनाश की बातें सुनते थे, तो ऐसे लगता था कि अरे विनाश हो जाएगा तो मैं बाबा की सेवा कैसे करूंगी, मैं अपना भाग्य कैसे बनाऊंगी। इसलिए मैंने कॉलेज भी छोड़ना चाहा। लेकिन मधुबन में भी हम जाते थे वैकेशन में, क्योंकि हमारा हर वैकेशन मधुबन में ही होता था। और मधुबन में जाकर के हम बहुत सेवा करते थे, म्यूजियम में गाइड रूप में सेवा करने की, ओम शांति भवन में भी गाइड के रूप में समझाने की सेवा, पांडव भवन में चार धाम की सेवा समझाने की सेवा, मना जो भी आते थे पब्लिक उनको हम समझाते थे। और इसके अलावा हम भंडारे में भी जाते थे, वहां रोटी सेकना, सब्जी काटना, मना अथक सेवा करते थे। और इसलिए हम मधुबन में बहुत फेमस हो जाते थे कि कुमारिया आएगी वो बहुत अथक सेवा करती है। और इसलिए मधुबन वाले हमें बहुत प्यार देते थे, बहुत पालना करते थे। वरिष्ठ भाई भी हमारे साथ बातचीत करते थे तो हमें ज्ञान की नई नई बातें सुना करके हमारे निश्चय को और भी बढ़ाते थे, हमारा उमंग उत्साह बढ़ाते थे। और वैसे भी मधुबन बहुत छोटा, इसलिए हमारी जो दादियां थी वो भी आते जाते हमें मिलते रहते थे, तो हमें बहुत अच्छा लगता था। दादियों का भी हमने बहुत प्यार पाया। और एक बार की बात है कि हम वैकेशन में मधुबन जाते थे तो सभी दादियों को पता है कि ये कॉलेज में पढ़ने वाली कुमारियां हैं, इसलिए गुलजार दादी जी भी हमें बुलाते थे कि आप आओ, थोड़ी सी सेवा है। हम दादी जी के पास जाते थे, दादी जी के कमरे के बाहर छोटा सा गार्डन हुआ करता था, तो दादी जी वहां बैठते थे और हमें भी बिठाते थे बाजू में, और दादी जी कहते थे कि मुझे कुछ लिखवाना है आपसे, तो दादी पत्र लिखवाते थे जो दादी जी सेंटर्स पर भेजते थे, तो दादी जी बोलते थे हम लिखते थे। तो हमने दादी को इतना समीप महसूस किया कि गुलजार दादी जी कितने शांत, कितने गंभीर, और बाबा का रथ, ये सोच करके भी हमें इतनी खुशी मिलती थी कि बाबा के रथ के बाजू में बैठना और बाबा के रथ ने मुझे सेवा सौंपना, ये मेरा बहुत बड़ा भाग्य है। आज जब हम ये बात को सोचते हैं तो रोमांच खड़े हो जाते हैं कि कैसे वो दिन थे कि दादियां भी हमें कितना प्यार और पालना देती थी। तो ऐसी करते करते हमारा कॉलेज पूरा हुआ, और मुझे तो उसके पहले ही मोहिनी बेन ने पक्का कराया था कि जैसे कॉलेज पूरी होगी हम आपको बुलाएंगे और आपको सेवा के लिए सेंटर पर जाना होगा और आप तैयारी से ही आना। तो जैसे हमारी कॉलेज पूरी हुई, फिर कुछ मास हम घर में ही रहे, और जनवरी मास आया तो हमने सोचा कि हम सूरत सेंटर पर जाकर थोड़े दिन रहते हैं, क्योंकि
18 जनवरी भी आने वाली है, तो बाबा के घर में रहकर थोड़ी सेवा करेंगे। और मैं पहली बार सेंटर पर रहने गई, वैसे तो हमेशा हमारा मधुबन में ही कनेक्शन रहता था, और बड़ी दादी जी प्रकाशमयी दादी ने हमें कहा था कि हर वेकेशन में आप जरूर मधुबन आओ, आपका मधुबन आपका घर है, आपको किसी को भी पूछने की आवश्यकता नहीं है, दादी जी ने आपको परमिशन दिया है। तो हमें बहुत खुशी मिलती थी, हमें किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी, हम वेकेशन में मधुबन चले जाते थे। तो जैसे हमारे हम जनवरी मास में सूरत सेंटर पर गए और 18 जनवरी पूरी हुई, फिर 21 जनवरी को मोहिनी बहन का फोन आया सूरत सेंटर पर कि आप फोकी को मधुबन भेजो, क्योंकि सूरत से बस जाने वाली थी 24 जनवरी को। मेरे पास सिर्फ 2 दिन था, फिर मैं लौकिक घर में आई, मैंने 2 दिन में तैयारी की और अंदर में इतनी खुशी थी कि मेरे साजन ने मुझे बुलाया है तो मैं 2 दिन में भी तैयारी करके जरूर जाऊंगी। और ऐसे लगन और इतना निश्चय था बाबा से कि मुझे जरूर बाबा की सेवा में जाना है। और प्रवीणा बहन मेरे से पहले सेंटर पर रहना शुरू कर दिया था और उन्होंने मुझे फोन से कहा कि कोकी अभी भी सोच लेना, तू सेंटर पर रह सकेगी या नहीं रह सकेगी। मैंने कहा मैं जरूर रहूंगी। कहा कि नहीं, अभी भी तेरे पास समय है, अभी भी सोच लेना, क्योंकि मैं थोड़ी फैशनेबल थी, उनको लगा कि ये नहीं रह पाएगी, लेकिन मैंने कहा नहीं मैं जरूर रहूंगी, क्योंकि मुझे बाबा की सेवा करनी है, अगर विनाश हो जाएगा तो मेरा भाग्य कैसे बनेगा, मैं स्वर्ग में कैसे जाऊंगी। तो ये जो अंदर में चलता था, जिसके कारण मुझे और भी पक्का बनाया और मैं मधुबन जाने के लिए तैयार हुई और 24 जनवरी मैं मधुबन में पहुंची। और उस समय बाबा मिलन की सीजन चल रही थी और फॉरेनर्स का ग्रुप था, क्योंकि उस समय तो बाबा 2-2 दिन में आते थे, तो फॉरेनर्स की सेवा करने का भी हमें मौका मिला। और जैसे बाबा की पधरामनी होती थी तो हम बाबा के बहुत करीब बैठते थे, ओम शांति भवन का स्टेज और स्टेज के बिल्कुल नीचे, बिल्कुल आगे आगे। और एक बार ऐसे विचार आया कि बाबा की आंख खुले और पहली दृष्टि मेरे ऊपर पड़े, और सचमुच ऐसे ही हुआ कि नहीं, फिर बाबा जैसे 2-2 दिन के बाद आते थे तो हम ओम शांति भवन के हॉल में गए और उस समय पहली लाइन खाली ही थी और मैं उसी स्थान पर बैठी पहले नंबर में, और बाबा की आंख खुली और पहली दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी और मैं इतनी खुश हो गई कि बाबा ने मेरी बात कैसे सुन ली। और सचमुच बाबा ने एक एक इच्छा पूरी की। और वैसे ही मधुबन में तो हमें बहुत अच्छा लगता था, मधुबन में जाते थे तो दादियां भी जैसे हमारी जो भी मनोकामना है वो सुन लेती थी और वो सब पूरी होती थी। तो ऐसे करते करते बाबा के यज्ञ से भी बहुत प्यार बढ़ने लगा। और एक बात सुनाना चाहूंगी कि हम बाबा को जब पहली बार मिले तब हमें ज्ञान का कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि हमारे परिवार वाले ज्ञान में आए 80 साल में और करीबन 81-82 होगा जब हमारी लौकिक बहन अमेरिका से आई थी, तो बहन और जीजा के साथ
मेरा राजस्थान घूमने के लिए जाने का प्लान बना और हम घर से निकले तो सबसे पहले हम आबू में गए, होटल में रुके और हमारी मम्मी ने पक्का कराया था कि आप जिस दिन आबू में पहुंचते हो उसी दिन बाबा की पधरावनी होगी, इसलिए आप जरूर बाबा को मिलने के लिए मधुबन में जाना। तो हमारी बहन को पापा ने थोड़ा ज्ञान सुनाया था, इसलिए थोड़ा थोड़ा समझ में उनको आता था। और फिर हम उसी दिन गए पांडव भवन में, ओम शांति, सॉरी उस समय तो मेडिटेशन हॉल में बाबा आते थे, तो मेडिटेशन हॉल में हम गए। बाबा की मुरली तो पूरी हो चुकी थी और जो ग्रुप ग्रुप मिलते हैं ऑलमोस्ट वो भी पूरा हो गया था, इसलिए हमें तुरंत ही आगे बुलाया। और हम जैसे आगे गए तो वहां बाबा सैंडल पर बैठे थे और हमको बाबा के सैंडल के बिल्कुल आगे नीचे बिठाया गया और इतना बाबा के करीब हम सोच भी नहीं सकते आज। और बाबा को जब मैंने पहली बार देखा, बाबा के अव्यक्त बोल, बाबा की रूहानी दृष्टि हमें बहुत अट्रैक्ट किया, जबकि हमें ज्ञान नहीं था, कुछ भी पता नहीं था, लेकिन फिर भी उस समय बाबा को देख करके हमें इतना अपनापन महसूस हुआ कि जैसे कोई दादी और नानी अपने बच्चों को समझाते। और बाबा ने काफी देर तक बात किया, लेकिन हमारे जीजा जी को हिंदी समझ में नहीं आता था, इसलिए शिरू बेन ने ट्रांसलेट किया और बाबा ने काफी देर तक बात किया और बहुत दृष्टि दिया और इतनी पावरफुल दृष्टि थी कि मैं बाबा को बस देखती रह गई। और उस समय मैं बहुत छोटी थी, इतना कुछ समझ में भी नहीं आता था, लेकिन फिर भी वो जो दृश्य था वो मेरी आंखों के सामने से कभी भी नहीं जाता। मैं जब भी याद करूं तो मुझे लगता है कि मैं बाबा के कितनी करीब बैठी थी। और आज हम सोचते कि बिना ज्ञान बिना धारणा बाबा को मिल भी नहीं सकते, और उस समय हमारे बहन जीजा और मुझे बाबा को मिलने का ये मौका मिला, वो कैसे मिला, कैसे बाबा ने हमें खींचा और हम उस स्थान पर पहुंच गए, क्योंकि बाबा तो जानी जाना ना थे। हमारे बहन और जीजा जी भी ज्ञान में पक्के हो गए। और तो इस तरह से ये पहली मुलाकात थी जो हम भूल नहीं पाते हैं। और उसके बाद जो हम आपको बता रहे थे कि मधुबन से हमारा सेंटर पर आने का प्रोग्राम बना, तो मोहिनी बहन ने मुझे बुलाया और कहा कि आपको सेवा के लिए जाना है, मैंने आपका सेवा स्थान ढूंढ लिया है, मुंबई जाएगी? हमने कहा हाँ जरूर जाऊंगी, बाबा जहां भी भेजेंगे वहां जाऊंगी, क्योंकि ये मेरा पक्का मंत्र था कि बाबा मुझे जहां भेजेंगे मुझे वहां सेवा के लिए जाना है, चाहे वो कोई भी स्थान हो। और ऐसे ही हम मधुबन से मुंबई आए और जो दो बहनें आई थी बोरीवली के कनेक्शन की, मैं उनके साथ आई। जो बड़ी बहन थी उन्होंने मुझे कहा था आपको मेरे पास आना है, तो मुझे लगा कि उनके साथ ही मुझे तो जाना होगा, लेकिन जैसे बोरीवली स्टेशन उतरे तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको मेरे साथ नहीं आना है, लेकिन बोरीवली में बड़ी बहन रहते हैं उनके पास आपको जाना है। तो मैंने कहा ठीक है। और हमें डॉक्टर गिरीश भाई कार लेकर के आए थे लेने के लिए। और फिर हम सेंटर पर आए, जब सेंटर देखा तो ऐसे छोटे छोटे फ्लैट में बाबा के सेंटर, और मुझे देखकर थोड़ी सी हैरानी जरूर हुई क्योंकि हमने तो बहुत बड़ा बड़ा घर देखा हुआ था, इसलिए मुझे सेंटर बहुत छोटा लगता था। जबकि मैं जब बोरीवली में आई 12 अप्रैल 88 के दिन,
मेरे आने के एक मास पहले बोरीवली में सेंटर के ऊपर का एक फ्लैट लिया गया था और उस फ्लैट में बहने रहने लगी थी। तो मैंने सोचा कि बाबा ने मेरे आने के पहले ही हमारे रेसिडेंस की तैयारी कर दिया। तो ऐसे करते हम बोरीवली में आए और सेवा शुरू की। लेकिन जैसे हम आए सेंटर पर, बिल्कुल कोरी स्लेट थे, बहुत इनोसेंट थे, मुझे तो कुछ भी नहीं पता था कि सेंटर पर कैसे रहना होता है, सेंटर पर स्वभाव संस्कार की बातें भी आती है, बहुत सारे भाई बहने भी आएंगे, बहुत सारी बातें भी आएगी। मुझे बिल्कुल भी रिंचक मात्र भी एहसास नहीं था कि ऐसा भी कुछ होगा। लेकिन फिर भी हम रहने लगे, हमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई और हम सबके साथ मिलजुल करके सेवा करने लगे। क्योंकि वैसे भी हमें पहले से ही ये संस्कार था, क्योंकि गर्ल्स की बोर्डिंग में रहते थे तो बहनों के साथ रहना होता था, इसलिए तो पहले से ही पता था। तो ऐसे करते हुए हम सेवा स्थान पर आए और सेवा की बहुत लगन होने के कारण हम बाबा की अथक सेवा करने में जुट गए। क्योंकि मुझे याद आता है कि जब हम सेंटर पर आने वाले थे तो मोहिनी बहन ने मुझे बाबा से मिलाया था और मोहिनी बहन ने बाबा को कहा कि बाबा, ये कुमारी सेवा स्थान पर जा रही है। तो उस समय बाबा ने मुझे कहा कि आप मधुबन से बहुत भरपूर होकर जा रही हो, बहुत शक्तिशाली बनकर जा रही हो, इसलिए आप जहां भी जाओगे आप बहुत सेवा करना और खुश रहना, शक्तिशाली होकर रहना। बस बाबा का ये वरदानी बोल जो आज भी मुझे शक्तिशाली बना करके चला रहा है, इसलिए मैं बाबा का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करती हूँ जिन्होंने मुझे बाबा के घर में रहने का स्थान दिया, बाबा ने मुझे श्रेष्ठ जीवन बनाने का मार्ग बताया और बाबा ने जो कभी किसी के साथ बात भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि मैं किसी से बात करने में भी बहुत संकोच करती थी, क्योंकि मेरा जो नेचर था मैं बहुत शर्मीली थी, लेकिन बाबा ने मुझे इतना आगे बढ़ाया कि आज मैं हजारों के बीच में भी बात करने के योग्य बन गई। तो ये बाबा ने मेरे अंदर योग्यता भरी और आदरणीय दिव्या बहन ने भी मुझे बहुत आगे बढ़ाया, इसलिए बहन का भी बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।